आज के चुनाव परिणाम, खासतौर पे हरियाणा के चुनाव परिणाम को देख के आज सुबह से मैं हैरान, और आज शाम को कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद थोड़ा परेशान भी। चारों तरफ से दोस्तों के फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, ये क्या हुआ? सच बताऊं, मुझे पूरी तरह पता नहीं क्या हुआ। पिछले एक महीने से मैंने कहा कि मैं इलेक्शन भविष्यवाणी तो नहीं करूंगा सीटों की, लेकिन मैं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, भाषण दे रहा हूं इस मान्यता के आधार पे कि कांग्रेस स्पष्ट रूप से आगे है। मैंने एक से ज़्यादा बार कहा कि सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। अब हवा है, आंधी है, उससे ज़्यादा ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज जो हुआ वो तो बिल्कुल अलग था। ना हवा, ना आंधी, ना और कुछ, बल्कि बिल्कुल उल्टा। जितने लोगों ने घूम के देखा उनमें से कोई व्यक्ति ऐसा मुझे अभी तक नहीं मिला जिसने कहा, और बीजेपी का समर्थक भी नहीं मिला जिसने कहा हो कि बीजेपी की मेजॉरिटी आने वाली है। बहस सिर्फ इस पे होती थी कि कांग्रेस कितना आगे रहेगी। पिछले दो बार में 2014 में 2019 में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जितने भी वोट मिले हैं, विधानसभा चुनाव में चार महीने बाद उसके वोट हमेशा गिरे हैं। अपेक्षा थी कि इस बार भी ऐसा होगा। हम ग्राउंड पे घूमे, हमारे कई साथी मिलके ग्राउंड पे घूमे, देखा, साधारण लोगों से बात की, क्योंकि ऐसा किए बगैर मैं अपना मुंह नहीं खोलता हूँ। साधारण लोगों से बात की और हमारा अनुमान उसके बाद भी ये था कि हाँ, जमीन पे तो यही दिख रहा है कि कांग्रेस आगे है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अप हुई है, बीजेपी डाउन हुई है, और अगर ऐसा है तो कांग्रेस का मेजोरिटी में आना स्वाभाविक था। जैसे मैंने कहा, जितने भी रिपोर्टर, एडिटर, संवाददाता, जिसने भी बोला, जिसको भी मैंने सुना या पढ़ा, एक भी नहीं मिला। आप आज भी पलट के देख लीजिएगा, अगर एक भी व्यक्ति ने कहा हो कि बीजेपी की मेजॉरिटी आ सकती है, तमाम एग्जिट पोल ने भी यही कहा। एक भी एग्जिट पोल नहीं है जिसका न्यूनतम वाला जो आंकड़ा है वो भी कहता हो कि कांग्रेस 45 से नीचे जा सकती है। मगर ये सब गलत हो सकते, तो गलत हो ही सकते हैं, इंसान है, गलती हो सकती है। एग्जिट पोल तो गलत होते ही, मैंने खुद ही साबित किया कि गलत है। मगर आज शाम को जब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ गंभीर आरोप लगाए कांग्रेस में, वहां के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश जी और पवन खेड़ा जी ने कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्रमाण दिए। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रमाण मैंने खुद देखा है, वो है नारनौल महेंद्रगढ़ जिले में। कांग्रेस ने कहा है ऐसी ही सूचनाएं उनके पास हिसार से भी हैं, पानीपत से भी हैं, और कहा है कि कल तक वो इस सारी सूचना को सार्वजनिक करेंगे। आरोप ये है कि कुछ काउंटिंग के दौरान कुछ ऐसे ईवीएम मिले जिसमें 99% बैटरी पाई गई खुलने के बाद। अब इतने घंटे काम करने के बाद 99% बैटरी क्यों थी? और जिन बैटरीज में 99% बैटरी पाई गई वहां कांग्रेस की परफॉर्मेंस खराब थी अपेक्षाकृत दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंस, दूसरी ईवीएम के, जहां बैटरी कम थी। मतलब अनकहा आरोप ये है कि उन ईवीएम के साथ कुछ खिलवाड़ किया गया है, छेड़खानी की गई है, वोटिंग समाप्त होने के बाद उनसे कुछ किया गया है। अभी गंभीर आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूं कि सच है, हमारे पास अभी कोई प्रमाण इतना नहीं है उसको जांच करने का। चुनाव आयोग का जवाब भी मैंने पढ़ा, वो इतना टेक्निकल है कि मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ, बैटरी और ये सब मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मामला गंभीर है जिसकी जांच होनी चाहिए। तो पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि चुनाव आयोग की जिम्मेवारी बनती है कि इस सब के बारे में देश को आश्वस्त करे, चुनाव फेयर हो, निष्पक्ष हो, और जनता को दिखे कि निष्पक्ष है। दोनों जरूर, ये चुनाव आयोग कुछ समय से ऐसे काम नहीं कर रहा है, जनता के सामने पूरी स्थिति साफ करना। लोकसभा चुनाव के अंदर भी जितने वोट पड़े और जितने वोट गिने गए दोनों में अंतर था, चुनाव आयोग ने आज तक स्पष्ट नहीं किया कि ऐसा क्यों हुआ है। तो चुनाव आयोग से इतना मेरा अनुरोध है, हो सकता है आपकी बात सही हो सकता है अभी से कांग्रेस की बात पर विश्वास न करें, लेकिन चुनाव आयोग जनता के सामने पूरे तथ्य रखे। चुनाव आयोग अपना काम करेगा, लेकिन हम भी अपना काम करें, हम भी सोचें, एक क्षण के लिए मान लें कि जो परिणाम आया है वही है। हैरानी हुई शायद इसलिए कि हो सकता है हम गलत हुए, तो हम सोचें कि क्या गलती हुई होगी, सोचें कि ये परिणाम क्यों आया होगा, क्या
भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का मुकाबला करने के लिए जितना काम करने की जरूरत थी विचार में जनता के बीच में, वो सब काम हुआ। आज के परिणाम से किसान आंदोलन का प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता। किसान आंदोलन की वजह से ही कांग्रेस मैदान में थी, उतने जो परिणाम हुआ उसके कारण ही कांग्रेस जो कि 30% पीछे थी 2019 में, वो कांग्रेस मैदान में थी। लेकिन जो कुछ दूसरे चीज करनी थी वो क्या हुई? क्या जनता के मन में ये शंका रही कि भाई कांग्रेस आएगी तो इसका मतलब है एक जिले का राज, एक जाति का राज, एक परिवार का राज? क्या इसका समाधान, इस आशंका का निर्मूलन हुआ? क्या चुनाव में उस तरह की चुस्ती हुई जो कि होनी चाहिए थी? कांग्रेस के अलावा जन संगठनों को जितना काम करना चाहिए था, क्या हमने उतना वो काम किया? मतलब कि जो चुनाव आयोग के सवाल हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन आज के इस नतीजे से हमारी चुनौती और गहरी होती है। महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, इन सब चुनाव में पहले से भी ज़्यादा और गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि हरियाणा में चुनाव का जो भी कारण रहा हो, जो भी वजह रही हो, अब उसे बीजेपी को वाइट वॉश करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये दिखाया जाएगा कि बीजेपी को कोई धक्का पहुंचा ही नहीं था, ये जो लोकसभा चुनाव में हुआ तो कोई बात ही नहीं थी, अब वापस स्थिति वैसे ही आ गई है और इस सरकार का दमनकारी चरित्र वैसे ही आगे बढ़ेगा। इसलिए अब महाराष्ट्र में और झारखंड में और शिद्दत से काम करने की ज़रूरत है। लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है, लेकिन हम सबकी भी जिम्मेवारी है। धन्यवाद।